अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है वाइटनिंग क्रीम पे, जो कि है फेयर एंड पिंक ग्लो। फेयर एंड पिंक ग्लो जो है ग्लोइंग एंड फेयरर क्रीम है। इसमें है SPF 30 विद अल्फ़ा आर्बुटिन एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। 4 डायमेंशनल फेयरनेस में आता है, इम्प्रूव ग्लो मॉइस्चर, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, नरिशेज। मैन वुमेन दोनों के लिए है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्या क्या क्लेम करता है। फेयर एंड पिंक ग्लो जो है स्किन फेयरनेस क्रीम है, जो कि सेफ एंड इफ़ेक्टिव है फॉर एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स, अनइवननेस एंड अदर डिस्क्लेरेशन। मतलब कि जिनके छाइयाँ पड़ जाती हैं या एक्नी स्पॉट्स, जब पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं तो अपने ब्राउन स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, उसके लिए, अनइवननेस के लिए है। और आपकी स्किन को नरिश करती है, प्रोटेक्ट करती है और ग्लो प्रोवाइड करती है। ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये इस पर लिखा हुआ है। ये डे एंड नाइट क्रीम है, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन है ये। और इसके साथ साथ ये क्लेम करती है कि आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करती है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। पहले हम इसका यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसको लगाना है स्किन पर, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। आपने पहले मुंह को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपने रोज़ वाटर लेना है, उसको स्प्रे करना है फेस पे। उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का, बस एब्जॉर्ब नहीं करना, हल्का हल्का बस एक थिन सी लेयर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और ये देखें, ये ब्राउन हो चुकी है। जब मैंने ली थी तो ये पिंक सी थी, बेबी पिंक सी थी ये, लेकिन ये एक महीने बाद ही बड़ी बड़ी ब्राउन हो चुकी है। 3 हफ्ते मैंने इसको यूज़ किया था रेगुलर, आप लोगों को रिव्यू देने के लिए कि इसका रिज़ल्ट देखूं, पर इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। और ये एक महीने बाद अब मैं रिव्यू करने लगी, जब तो मैंने देखा ये ब्राउन हो चुकी है अंदर से। पता नहीं ये ऐसे क्यों हुई है, हालांकि क्रीम पड़ी रहती हैं, काफ़ी देर तक पड़ी रहती हैं, लेकिन एक महीना भी पड़ी रहे तो वो उसका कलर नहीं चेंज होता। ये इसका कलर देखें, ब्राउन जैसे फाउंडेशन होती है ना, वैसा इसका कलर हुआ हुआ है। और जब मैंने 3 हफ्ते इसको यूज़ किया तो सिर्फ 3 हफ्तों में मुझे यही नज़र आया कि हल्की फुल्की सी सिर्फ ग्लो आती है और कुछ भी नहीं। और जब आप इसको छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब जो आपकी अपनी स्किन अच्छी होती है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी आपको। देखें, वाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं ना, वो ना यूज़ किया करें। शुरू में तो इनका रिज़ल्ट अच्छा होता है, अच्छा देती हैं रिज़ल्ट, लेकिन बाद में आपकी स्किन को बहुत ही ख़राब कर देती हैं। जो आपकी स्किन टोन है उसी से प्यार करें। बस अगर डार्क स्पॉट्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए विटामिन सी सीरम रात को यूज़ किया करें अपनी नाइट केयर रूटीन में। और स्किन ब्राइटनिंग और ग्लोइंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ अर्वेलॉन का एडवांस ग्लो पैक, वो बेस्ट है। उसका रिव्यू भी मैंने चैनल पर दिया हुआ है, आप वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं, या आप सर्च कर लें अर्वेलॉन एडवांस ग्लो पैक कशफिशफाक तो भी आपको मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। और ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, कोई रिजल्ट नहीं है इसका, बल्कि आपकी स्किन को और डार्क कर देगी। चलें जी, अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।